गया है कि अंत में जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, ना लव मैरिज में ना अरेंज मैरिज में। और शायद व्यक्ति चुनने का सिद्धांत अगर सही है तो मैं इस पक्ष में जाऊंगा कि जहां आप किसी व्यक्ति को जानते हो तो आप उसका चुनाव करें, लेकिन सोच समझ कर, जल्दबाजी से नहीं। कि कल मिले, आज मिले, आपको आज ही प्यार हुआ, बोले कि मैं देख तुमको पहली ही नजर में प्यार करना, झूठा प्यार है, सिर्फ झूठ है, सफेद झूठ है। आप किसी को जानते हैं, एक समय से आप उसके साथ हैं, आपके आचार विचार एक दूसरे से मिलते हैं, आपको लगता है आप जीवन के लिए एक बेहतरीन साथी हो सकते हैं, तब चुनाव करें तो माने। पहली नजर में प्यार हो गया, ये एकमात्र झूठ है। इसका मतलब है किसी ने आपसे ऐसा कहा है तो वह एकदम से सरासर झूठ बोल रहा है और धोखे की बहुत गुंजाइश है। बहुत क्या, आप ये समझिए कि धोखे ही की गुंजाइश है। अगर कुछ बच गया तो अपवाद होगा। और ये विशेषतः मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अध्ययन को प्रायोरिटी बनाइए, लड़के भी, क्योंकि एक समय पर आपका अध्ययन सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप उस समय पर किसी और चीज को प्राथमिकता यदि देते हैं तो आपका जीवन संकट में होता है और एक समय पर आप अकेले पड़ जाते हैं। तो आपका जब तक आप अध्ययन कर रहे हैं, कोई आपको पसंद आए या किसी को आप पसंद आते, उसको अगर उसको सच में आपसे प्रेम है, वो इंतजार करेगा। आप उससे बोलिए कि ठीक है, हम अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम सेलेक्ट वेलेक्ट हो जाएंगे तब इस बारे में विचार करें। एक लड़का मेरे पास आया, उसने बोला, देखो इतने भी अच्छे, उसने बोला भैया मेरे घर की स्थिति ऐसी है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन मैंने एक लड़की से शादी का वादा किया हुआ और वो लड़की मेरे रहने की व्यवस्था करती है, और वो लड़की और लड़का एक दूसरे से 1200 किलोमीटर दूर है। उसने बोला कि वो लड़की मुझको पढ़ा रही है और वो लड़की क्योंकि सेलेक्ट हो चुकी है, ट्रेनिंग पर है, तो उस तरह इंतजार करने होंगे एक दूसरे के लिए। ऋग्वेद में आर्य सब